बहुत ही ज्यादा खर्चा हुआ था यार, क्योंकि मैंने अभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था। ये जो रहा ना टीटा घर, उसमें इन्वेस्ट किया था और घर बनाने में यार लगभग लगभग 1.5-2 लाख रुपए तो लग ही जाते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के 8 बज चुके हैं और अब तक मैंने अपनी दुकान खोलकर साफ सफाई भी कर ली है। वैसे सुबह सुबह मैं बिस्किट वाला सेक्शन अरेंज कर रहा था, क्योंकि यार सुबह सुबह बिस्किट की बिक्री होती है ना, चाय के साथ बिस्किट खाते हैं लोग, और बिस्किट ही खत्म हो चुके थे, इसलिए मैं बिस्किट लगा रहा था अभी दुकान में। ये देखो इतने सारे पैकेट निकाल लिए मैंने यार। ये गाड़ियां ना बहुत ही परेशान कर देती व्लॉग बनाने में, फटाक से आ जाती यार। चलो कोई, आप थोड़ा सा इग्नोर कर देना, मेरे पास माइक नहीं इसीलिए। वैसे ये देखो, ये कुछ बिस्किट वगैरह लगा रहा था मैं, ये हो गए मोनाको, हो गए नारियल, हो गए गुड्डे, तो अभी लगाए मैंने। ये देखो इतना सेक्शन भर चुका है, अभी सिर्फ ये वाला बाकी है यहाँ पर और आखिर में यहाँ पर। तो चलिए फटाफट से इसको भर देते और फिर नहाना भी और बाकी सब काम भी है। जैसे कि मुझे यहाँ पर चिप्स की लड़ियाँ लगानी है, यहाँ पर तो मैंने लगा दी लेकिन यहाँ पे खत्म हो चुकी थी, और ये पीछे का सेक्शन थोड़ा सा बेकार लगता है ना यार ऐसे सामने से देखने में, इसीलिए। वैसे गाइस दुकान में क्या होता है, जितनी बड़ी बड़ी लगती है ना उतनी बिक्री ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा मैंने अपने पिछले 2-3 सालों में एक्सपीरियंस किया है। हाँ अगर तो चलिए गाइस, मैं इतनी सारी कुरकुरे की लड़ियों को बाहर लेके आ चुका हूँ, जिन्हें तो मुझे ऊपर के साइड में लगाना है। तो चलिए फटाफट से काम पर लग जाते हैं, अलग अलग तरह के लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले ये फीके लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने सभी कुरकुरे की लड़ियों को यहाँ पर लगा दिया, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखो अब दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है। इससे क्या होता है, पिछली दीवार भी ढक जाती है और दुकान भी भरी भरी लगती है। तो दोस्तों अभी दोपहर के 2:22 हो चुके हैं और अभी मैं दुकान में यहाँ पर बैठा था एक कोने में। वैसे अभी एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेने जा रहा हूँ मैं, जैसा कि आपको पता है कि हमारे घर का काम चल रहा है और घर बनाने में यार लगभग लगभग 1.5-2 लाख रुपये तो लग ही जाते हैं, 2 लाख से ऊपर ही। और अब तक मेरी जितनी सेविंग थी ना, यानी कि मैंने जो चैलेंज लिया था 100 डेज मनी सेविंग चैलेंज, जिस कारण मैंने लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये इकट्ठा किए थे, जैसा कि आपको मैंने पीछे ही बताया था, तो वो सब यार ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि पूरे खर्च हो चुके हैं। तो अब बारी आती है यार अपने अगले डिसीजन की, क्योंकि यार मैंने आपको कभी बताया नहीं, लेकिन जब मेरे पहली इनकम आई थी ना यूट्यूब से, तब मुझे बहुत ही खुशी हुई थी। और तब बहुत से लोगों ने मुझे बताया था कि आप अपने पैसों को ना इन्वेस्ट करो, तो बहुत सारे लोगों ने शेयर मार्केट के बारे में मुझे बताया था, लेकिन यार उतना इंटरेस्ट नहीं था मुझे उस वक्त। तो मैंने, यानी कि आपको पता ही है, मैंने पीसी ले लिया, पीसी में लगभग 50-60 हज़ार रुपये खर्च हो गए। उसके बाद मैंने अपना अलमारी ली थी, अलमारी में भी लगभग 10-11 हज़ार उसमें चले गए, नहीं 14 हज़ार शायद से। उसके बाद मैंने कूलर लिया था, उसमें भी पैसे चले गए, और उसके बाद लिया आईफोन 13, उसमें 51,000 यानी 51,000 उसमें चले गए। बहुत ही ज़्यादा खर्चा हुआ था यार, लेकिन यार अभी तो मुझे इस वक्त पैसों की ज़रूरत थी। लेकिन मैंने ध्यान दिया कि मुझे शेयर मार्केट में मुझे थोड़ा बहुत तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए, इसलिए मैंने इन्वेस्ट किया था, और आज यार मुझे वो शेयर बेचने पड़ रहे हैं। मैंने आपको कोई भी बताया नहीं कि मैंने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि यार मुझे लगा जब फ़ायदा होगा तभी बताएंगे ना, शेयर मार्केट में थोड़ा सा नुकसान हो जाए तो हर एक नए बंदे के साथ ऐसा ही होता है ना, इसलिए मैंने आपको कभी बताया नहीं। तो आज बता ही देता हूँ कि मैंने भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था, थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं, तो एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो शेयर मार्केट मेरा यानी कि ओपन हो चुका है, और मैंने इन्वेस्ट किया था टीटागढ़ में। ये यहाँ पर देखो, ये जो रहा ना टीटागढ़, उसमें इन्वेस्ट किया था, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ उसका। यानी कि पिछली बार यार लगभग हफ्ते भर पहले उसके शेयर बहुत ही ज़्यादा बढ़े थे,
लेकिन यार आज पता नहीं क्या हो गया और उसके शेयर बहुत ही डाउन चले गए बहुत ही दिनों से, इसलिए आज फाइनली मुझे वो बेचने पड़े। आज उसका प्राइस था 1671 रुपये और मैंने 1669 रुपये पे इसे बेच दिया है आज, क्योंकि यार अभी मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत थी, मिस्त्री जी को देने बहुत सारा काम रहता है यार, इसमें मैं बाद में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन यार एक मजबूत घर की तो ज़रूरत होती है। जैसा कि आपको बताया कि हमारे, मैंने आपको मेरा घर तो दिखाया होगा कि जैसे पत्रे से पानी टपकता है वो सब चीज़ें, तो इससे बाहर निकलने के लिए ये हम शेयर मार्केट बेयर मार्केट बाद में करेंगे, लेकिन अभी घर की ज़रूरत है इसलिए आज मुझे ये बेचना पड़ रहा है। तो मैंने इसे बेच दिया और मैंने लगभग 30 शेयर खरीदे थे टीटागढ़ के, जिससे कि मुझे लगभग यानी कि 36,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए थे और आज बेच दिया है, तब उसका यानी कि प्राइस हुआ है 50,000 और समथिंग अबाउट ऊपर हुआ था कुछ। तो ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शेयर मार्केट, अभी बेच दिया मैंने, उसके मैसेज कहाँ पर आते देखना पड़ेगा, ये रहे मेरे प्रोफाइल, तो उसके ऊपर आप देख सकते हो अवेलेबल टू ट्रेड 40,000 है और अनेबल टू ट्रेड 10,000। ये 10,000 क्यों नहीं निकाल पा रहा मुझे पता नहीं यार, लेकिन इतना भी फंड है मेरे पास बचा हुआ। तो थोड़ी बहुत ये चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताई नहीं कभी, क्या करूँ यार थोड़े से यानी कि मुझे भी डर लगता है कि एक आध बंदा कोई कुछ कर ले, इसलिए चलो कोई ना, वैसे आप सभी तो आप सभी के सपोर्ट के कारण ये सब हो पाया है। तो मैंने शेयर तो बेच दिए, अभी से फटाफट से अकाउंट से पैसे निकाल लेते और बाकी सब चीज़ें करते, देखते कैसा होता क्या नहीं, घर के लिए भी पैसे इकट्ठा करने पड़ेंगे। और वैसे मैंने और एक चैलेंज लिया है अपने दुकान से 1,00,000 रुपये कमाने का, जिसका कि आज लगभग 7वां दिन है, तो देखते आज कितनी कमाई होती वैसे। तो चलिए मैं एक बार आपको घर का काम भी दिखा देता हूँ। तो चलिए गाइस मैं आपको एक बार हमारे घर का काम भी दिखा देता हूँ। तो इस साइड में एक रूम है, तो इस साइड में खिड़की लगने वाली है और इस साइड में एक दो खिड़कियाँ जो कि चाचा जी का रूम है हमारे, उसके बाद आता है दूसरा रूम, तो लगभग 4 रूम बनने वाले हैं इसमें। यहाँ पर एक रूम है, उसके बाद आता है इधर के साइड में एक रूम, तो ये वाला रूम हमारा होने वाला बेसिकली, जिसमें कि सिर्फ पीछे वाली साइड में खिड़की लगने वाली है और पीछे के साइड में आप देख सकते हो जो कि एकदम सुनसान ही पड़ा हुआ एरिया। वैसे अभी मिस्त्री जी भी आ चुके हैं और घर का काम फिर से शुरू हो चुका है, कल छुट्टी थी, शनिवार के दिन वो छुट्टी लेते, आज है संडे तो फिर से वो काम पे आ चुके हैं। अभी सिर्फ पिछली वाली दीवार बननी है और फिर इसके ऊपर एक लेंटल बिछाई जाएंगी इस चौखट के ऊपर और पीछे खिड़की लगेगी उसके ऊपर। एक बार ऊपर से भी देख लो। तो चलिए आगे का काम मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगा। तो आज के व्लॉग में इतना ही, आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।